नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनीता आसपालनी गार्डन में। तो वीडियो में आज मैं आपको रीपॉटिंग जो सर्दी के शॉपिंग के प्लांट्स की आपको वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो आज मैं आपके साथ उन्हीं प्लांट्स की रीपॉटिंग कुछ प्लांट्स की रीपॉटिंग शेयर करूंगी कि कैसे उन्हें रीपॉट करना है। और जब तक हम देखते हैं, सबसे पहले हम अपनी बालकनी का व्यू देखते हैं। ये देखिए, सारे प्लांट रिपॉट कर लिए हैं मैंने। ये देखिए, ये गेंदे के प्लांट हैं, ये तो मैंने पहले कर लिया था। ये देखिए बालकनी, सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग शेयर करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम सर्दियों में बहुत सारे प्लांट्स लेकर आते हैं और अलग अलग वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कुछ प्लांट्स की रिपोर्टिंग, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है हर एक, क्योंकि फिर एक ही दिन में मैंने 15 से 20 प्लांट्स की रिपोर्टिंग की थी, तो सारे प्लांट्स का सारी रिपोर्टिंग का वीडियो नहीं बनाया जा सकता है एक ही दिन में, और फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए मैंने कुछ प्लांट्स की रिपोर्टिंग की, तो मैंने उसका वीडियो बना लिया, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कुछ कारण से मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि रिपोर्टिंग तो मैंने कुछ टाइम पहले कर ली थी, तभी वीडियो बना लिया था, लेकिन शेयर नहीं कर सकी आपके साथ। वापस मैं बाहर गई थी और वापस आने पर मेरे गुलाब की पत्तियों में पानी, उस गमले में पानी बहुत कम रह गया था, तो पत्तियाँ सूख गई। इसीलिए वापस से अब वो प्लांट थोड़ा बहुत जद्दोजहद करेगा, जिससे पत्तियाँ, नई नई पत्तियाँ आएंगी और फिर फ्लावरिंग होगी। ये देखिए सारे, ये सब मैं अभी नर्सरी से लेकर आई थी। ये देखिए एस्टर के 3 कलर लेकर आई मैं, और ये गुड़हल है रेड हिबिस्कस, ये भी एस्टर, ये देखिए चित्रक, स्पैरेगस, ये डबल पेटल हिबिस्कस, रोज, ये मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं, कलंचू, ये भी कलंचू है, कटिंग से भी मैंने कलंचू ही ग्रो किए हैं। यानी कि एक और प्लांट था, वो गर्मियों में कुछ ख़राब होने लगा था, तो मैंने इनकी कटिंग्स लगा दी थी, तो वो चल पड़ी हैं। देखते हैं अब फ्लावरिंग कब होती है। ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स, ये हेज है, इसका कलर बहुत अच्छा लगा था मुझे, इसलिए मैंने ये ले लिया। ये देखिए कि मैंने ऐसे ये नए गमले लेकर आई थी मैं फैले हुए, ये पिटूनिया के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी हम रिपोर्टिंग करते हैं, शुरू करते हैं, मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, इसमें हम मिट्टी, मैंने सूखी मिट्टी सुखा ली थी, मेरे पुराने गमलों की ही थी पिछले साल की, सीजनल प्लांट्स की। और ये इसमें मैं कोकोपीट और मिलाऊंगी, पिछले साल मैंने कम मिक्स की थी, अभी कोकोपीट और नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट, ये सारी चीज़ें मिक्स करके हम बहुत ही अच्छी सी मिट्टी बना लेंगे। इसमें प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं, क्योंकि ये जो पिटूनिया होता है, इसको थोड़ी सी मॉइस्चर वाली मिट्टी पसंद होती है, एकदम उसकी मिट्टी नहीं सूखनी चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत बारीक बारीक पतली पतली जड़ें होती हैं, तो वो एकदम मिट्टी सूख जाती है, तो वो जड़ें भी बहुत जल्दी सूख जाती हैं, तो थोड़ा मॉइस्चर बना रहना चाहिए मिट्टी में, इसलिए हम कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट खाद के रूप में हम मिलाते हैं, तो इससे मिट्टी बहुत अच्छी भुरभुरी और बहुत अच्छी मिट्टी होती है, जिसमें ये बारीक जो जड़ें हैं बहुत अच्छे से फैल जाती हैं। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पहले, ये देखिए कोकोपीट और मिक्स करूँगी मैं, एक भाग कोकोपीट का हो जाएगा और एक मुट्ठी नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट, एक भाग वर्मी कंपोस्ट लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके। और अब हम, ये देखिए मैंने ये प्लांट इसमें ही रूट बॉल सहित बीच में डालकर अब हम किनारे से ही मिट्टी डालेंगे। रूट बॉल मैंने वैसे का वैसा थैली में थे ये प्लांट, तो मैंने थैली हटाकर और रूट बॉल बीच में रख कर और मिट्टी डाल दी। ये देखिए
ये अच्छे से डीप पॉट हो गया। 8 इंच का गमला है, इसके लिए ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है। पिटूनिया के लिए अगर आप 10 इंच का लेते हैं तो उसमें 2 प्लांट लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने कितना फैला कर बैठी हूँ, ये सारे प्लांट्स की मैंने रिपॉटिंग की थी। मिट्टी भी मैंने कम से कम 10 बार मिट्टी बनाई और सभी को अलग अलग गमलों में लगाया मैंने। चेक पहले तो मैंने देखा किस गमले में कौन सा प्लांट अच्छा लगेगा। ये देखिए इसमें ये वाला पिंक प्लांट, ये बहुत ही प्यारा लगेगा इसमें, तो मैंने इसमें ये लगाया। ये देखिए ड्रेनेजोल बहुत अच्छे हैं। नीचे मैंने सबसे पहले ये जो हमारे कपड़े की थैलियाँ आती हैं उसको काट के मैं वो लगा देती हूँ नीचे, इससे पानी बहुत आराम से निकल जाता है और मिट्टी बाहर नहीं निकलती है। ये देखिए दूसरा पिटूनिया, ये कलर भी बहुत ही प्यारा कलर है। अब इसकी थोड़ी सी मिट्टी नीचे से हम लूज़ करेंगे, जैसे मैंने पिछले प्लांट में पिछले वाले उसका नहीं दिखाया था मैंने, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए नीचे से हल्के हल्के हाथ से और हम इसकी मिट्टी को निकाल देंगे। कोशिश करेंगे कि जड़ें नहीं टूटें, और ये जो मिट्टी अंदर की इसकी थोड़ी सी कड़क मिट्टी है तो मैंने इसलिए थोड़ी ज़्यादा मिट्टी इसकी निकाली, और जड़ें खोल देंगे तो ये जड़ें बाहर ग्रोथ कर पाएंगी और फैल पाएंगी नई मिट्टी के अंदर। तो हम यहाँ से थोड़ी सी लूज़ कर लेते हैं मिट्टी को, और ये देखिए लूज़ करके और अब हम मिट्टी इसमें रख के देखेंगे। गमले में थोड़ी मिट्टी डाल देंगे पहले और फिर हम रख कर चेक कर लेंगे कि ये कितना ऊंचा रखना है। हमें ऊपर से 1.5 इंच तक गमले में जगह छोड़नी होती है ऊपर से, कि हम खाद या हम पानी डालते हैं तो वो अच्छे से पूरे गमले में चारों तरफ पानी अच्छे से चला जाए मिट्टी में, जिससे पूरी मिट्टी गीली हो सके। ये देखिए अब चारों तरफ से इसमें हम डालेंगे, देखिएगा पत्तियों पर मिट्टी नहीं पड़नी चाहिए, पत्तियां मिट्टी से दूर रहनी चाहिए, नहीं तो फंगस लग सकता है, इसलिए हमें ये देखिए ऐसे हम डालेंगे तो हाथ से छुपाकर और फिर हम डालते हैं तो बहुत इजी होता है। ये पौधे पर मिट्टी नहीं जाएगी, पत्तियों पर भी नहीं लगेगी और बहुत आराम से ऐसे चौड़े गमले में लगाने से पिटूनिया वैसे भी ऊपर की तरफ फैलता है, ये ऊपर की तरफ बढ़ता नहीं है, चारों तरफ फैलता है। तो हम फैला हुआ गमला अगर पिटूनिया के लिए लेते हैं तो बहुत अच्छे से बहुत सारा फैल जाता है, और इसमें जितना ज़्यादा ये फैलता है उतने ही ज़्यादा फ्लावर्स उसमें आते हैं। और हम जैसे भी पुराना कोई फ्लावर होता है वो मुरझा जाता है तो उसे हमें तोड़ देना चाहिए, जिससे वहाँ से 2 ब्रांचेस निकलती हैं और फ्लावरिंग अच्छी होती है और धीरे धीरे हमारा पौधा बहुत घना हो जाता है। ये है डायंथस, इसकी भी मिट्टी नीचे से लूज़ कर ली मैंने और अब हम इसमें लगा देंगे। ये देखिए इसमें मैं 2 प्लांट लगाऊंगी, ये देखिए, क्योंकि डायंथस ऊपर की तरफ फैल ज़्यादा नीचे फैलता नहीं है तो ये इसमें अच्छी ग्रोथ करेगा, इसमें 2 प्लांट आराम से आ जाएंगे। ये स्टॉक फ्लावर है, वाइट और पिंक साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए इसमें भी उसी तरीके से हम मिट्टी डालेंगे, ये देखिए सारी रिपॉटिंग करने के बाद बालकनी की सफाई कर दी, इतना ज़्यादा फैला हुआ था पूरा करके। और ये देखिए मैंने ये सारे प्लांट्स की रिपॉटिंग अभी की थी, और ये सारे मैं आपको दिखाती हूँ, सभी में मैंने सेम वैसे ही रिपॉटिंग की जैसे मैंने आपको 2 प्लांट का बताया। बस आप भी सभी प्लांट्स की जिसकी मिट्टी ख़राब हो आप पूरी आधी मिट्टी निकाल सकते हैं हल्के हाथों से, और वैसे अब क्योंकि अब ज़्यादा ठंड पड़ेगी तब आप बिल्कुल भी उस रूट बॉल को मत छेड़िएगा, और अगर ठंड कम है तो आप उसको निकाल सकते हैं थोड़ी नीचे से मिट्टी, ज़्यादा भी निकाल सकते हैं आधी निकाल सकते हैं अगर ख़राब है तो, और आप आराम से रिपॉटिंग कर सकते हैं। देखिए सारे कितने प्यारे लग रहे हैं, इसमें मैंने 3 प्लांट लगाए, ये छोटे छोटे से प्लांट्स थे, और ये देखिए पेंजी, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं कलर एक साथ। कॉस्मोस
ये देखिए, ये पानी, अब पानी सब में, पानी अब मैं दूंगी, बहुत अच्छे से पानी देना है इनमें। फिर दोबारा वाटरिंग तब करेंगे जब पूरी मिट्टी अच्छे से सूख जाएगी। पूरी मिट्टी सूखने के बाद ही हमें वाटरिंग करनी है बाद में, लेकिन एक बार हम अच्छे से पानी देंगे। और ठंड में वैसे भी मिट्टी बहुत जल्दी नहीं सूखती है, तो आपको खास ध्यान रखना है। और सदाबहार, ये सदाबहार हैं, इन तीनों में आपको मिट्टी बिल्कुल पत्थर जैसी हो जाएगी ऊपर की, बिल्कुल सूख जाएगी, तभी आपको वाटरिंग करनी है। और इसमें भी, गेंदे में भी, ये देखिए रेड कलर का गेंदा कितना प्यारा लगता है, ये येलो। ये गमले भी मैं नए लेकर आई थी, ये कलरफुल गमलों से बालकनी की शोभा और ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर कलरफुल होते हैं तो। प्लांट भी उसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से सारे हटाकर अब मैं ये अच्छे से यहाँ पर सेट करने पड़ेंगे, ऊपर छोटे फिर थोड़े बड़े गमले, पौधे जिनमें बड़े होंगे जिससे धूप सभी पौधों को बराबर लग सके। ये देखिए कुछ प्लांट्स मैंने अंदर रख दिए थे वो सीढ़ियाँ खाली करने के लिए, और मैंने उसके बाद ये सारे जमाए, सफाई की यहाँ से, गमलों को यहाँ रखा। ये देखिए सब जगह रख कर सेट करती रहती हूँ, जहाँ पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं वहाँ पर लास्ट में मैं जचा देती हूँ। कभी किसी पौधे को धूप कम लगता है कि कम लग रही है तो फिर चेंज करती हूँ। ये देखिए मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई थी कि मैंने मिट्टी में ये काली मिर्च और हल्दी पाउडर भी मिक्स किया था, तो मैंने सोचा बाद में मैं आपको ये एक बार आपके साथ शेयर करूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे मिट्टी में फंगस नहीं लगती है। आप चाहें तो केमिकल भी डाल सकते हैं, फंगीसाइड जो आते हैं बाज़ार में, आप उसकी भी एक चम्मच डाल सकते हैं। ये देखिए मैं ये वाला प्लांट भी आपके साथ चित्रक, इसकी रिपोर्टिंग की थी मैंने, इसका गमला छोटा था। ये पौधा श्रब की तरह होता है, ये बड़ा पेड़ भी बन सकता है, ये इसको हम कटिंग करके गमले में भी रख सकते हैं। देखिए इसका पूरा रूट बॉल निकाल के मैंने वैसे का वैसा रख दिया था। ये है चेरी, सॉरी स्ट्रॉबेरी का प्लांट है ये। स्ट्रॉबेरी के प्लांट के लिए भी मॉइस्चर वाली मिट्टी चाहिए, तो मैंने इसमें भी कोकोपीट मिक्स की थी। इसकी मिट्टी भी बहुत सॉफ्ट और अच्छी बनाई है मैंने। ये देखिए सीधे रूट बॉल मैंने पूरा का पूरा इसमें रखा, और चारों तरफ से देखिए इस तरीके से आप करेंगे रिपोर्टिंग आप घर पे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको प्लांट्स का शौक है, आप प्लांट्स पसंद करते हैं, तो अपने हाथ से अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। ये देखिए ये लेमन ग्रास है, इसकी चाय बनती है, आप चाय बनाते समय इसकी छोटी छोटी कटिंग्स करके थोड़ी सी डालें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए ये हो गई रीपॉटिंग, अब सफाई हो रही है बालकनी की। ये देखिए सारे प्लांट्स रीपॉट हो गए हैं। अब कुछ कुछ जो मेन वो थे मैंने आपके साथ शेयर किए कि जहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आए, मिट्टी हटाकर भी मैंने आपको दिखाया। अगर आपके यहाँ का मौसम अच्छा है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है, तो आप मिट्टी नीचे से बहुत कम हटा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाने में प्लांट्स को शॉक नहीं लगता है, क्योंकि इनका सीज़न है। तो चलिए देख लीजिए एक झलक, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।